ठंडे मौसम के कुछ बढ़िया परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम कुछ बढ़िया ठंडे मौसम के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। मैंने सोचा है कि इस साल के विंटर्स में मैं इनको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने कलेक्शन से इन परफ्यूम्स को मेंशन करता हूं, तो कोई परफ्यूम अगर मुझे छूट जाए तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। मुझे इस बात की बिल्कुल गलतफहमी नहीं है कि मैंने हर किस्म के परफ्यूम को इस्तेमाल किया है या फिर मैं किसी किस्म का एक्सपर्ट हूँ। तो अगर मेरे किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, अगर आपको काम का लगे वीडियो देखने के बाद, ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो YouTube थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है ज़ारा की तरफ से एलिवेटेड ऊद अ परफ्यूम बाय अल्बर्टो मोरियास। इसका परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। ऐसी 100 ml के बॉटल के लिए मुझे $40 पे करना पड़ा था इंक्लूडिंग टैक्स, तो मेरे ख्याल से ये आपको लगभग 3000 रुपए के प्राइस रेंज में आगे चल के मिल जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू मुझे लगती है। ये एक ऊद बेस, थोड़ा सिट्रसी, थोड़ा वनीला और चॉकलेटी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें थोड़ा स्पाइसी एलिमेंट भी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बेस में जिस तरीके से वनीला का इस्तेमाल है और ऊद भी इसमें बहुत सिंथेटिक नहीं लगता, नकली खुशबू नहीं लगती है। शुरुआत में लगभग 10 से 15 मिनट तक एक बहुत ही खूबसूरत सिट्रसी शार्प खुशबू महसूस होती है, उसमें फ्रेशनेस है, लेकिन उसके बाद ऊद इसमें प्रोमिनेंट होने लगता है और जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने इसको थोड़ी ठंडक में लगाया और बाहर भी मुझे अच्छा लग रहा था, लगभग 2-3 घंटे बाद भी मुझे इसकी जो खुशबू मिल रही थी तो एक मैस्कुलेंसी बड़ी प्यारी खुशबू लग रही थी। इससे मुझे परफॉर्मेंस भी सही मिल जाती है, लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे किया तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक, और ये है कि ठंडक में ये लगभग 3 घंटे तक लोगों को पता चलेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन ये परफ्यूम कहते हैं, अनलाइक ज़ारा के परफ्यूम क्योंकि वो ज़्यादातर परफॉर्म नहीं करते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि सही इसका कॉन्सेंट्रेशन है और लगाने के बाद अगर 4-5 स्प्रे कर लेंगे तो लोगों को लगभग 2-3 घंटे तक पता चलता है। तो इसके बारे में जाने, अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो तो आप मंगा सकते हैं, कहीं से अगर डीकैन इस्तेमाल करने का मौका मिले तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है ज़ारा की तरफ से एलिवेटेड ऊद। नंबर 9 पे है सेल्वाटोर फेरागामो की तरफ से ऊद। इसका ऑल परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। ये मुझे एक अंडररेटेड परफ्यूम लगता है। ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 5-6 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक लेदरी, बूजी, टबैको बेस और थोड़ी ओरिएंटल खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में जो बूजी खुशबू, रम ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी अल्कोहल वाली खुशबू का इस्तेमाल है, थोड़ा सा स्प्रिट जैसी खुशबू लगती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से स्पाइसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। लेदरी खुशबू इसमें मिलती है, एक मैस्कुलिन सी मर्दाना खुशबू है। अगर आप दिवाली के लिए और ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए कुछ अलग सा चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा ये पोलराइजिंग है, ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आए। अगर आप बहुत ही सिंपल जो जेनेरिक खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं ज़्यादातर आपने वैसे इस्तेमाल किए हैं तो थोड़ा समझें, तभी इसको कंसीडर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें लेदर और बूजी एलिमेंट है वो थोड़ा इसको अलग बनाता है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है इंडोर्स के लिए अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। कहीं से इसका सैंपल या डीकैन मिल जाए तो पहले इस्तेमाल करके देखें, ये ब्लाइंड बाय करने वाली बॉटल नहीं है, परफ्यूम नहीं है, तो समझें तभी कंसीडर करें। तो ये है सेल्वाटोर फेरागामो की तरफ से ऊद। नंबर 8 पे है शोपार्ट की तरफ से ब्लैक इंसेंस मलाखी। इसका ऑल परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए, थोड़े महंगे साइड पे है, तो इसका सैंपल या डीकैन पहले इस्तेमाल करके देखें। ये एक स्मोकी, लेदरी, थोड़ा ऊद बेस, स्पाइसी और एम्बरी खुशबू वाला परफ्यूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के लिस्ट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग खुशबू वाला परफ्यूम ये है, इसको ब्लाइंड बाय ना कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। पर्सनली इसको लगाना मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन ऐसा भी हुआ है 1-2 बार जब लोगों ने इसको नहीं पसंद किया है मेरे सराउंडिंग में। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपके लेदरी नोट को फ्यूज़ किया गया है स्मोकी नोट के साथ, काफ़ी इंटेंस खुशबू है, एक मर्दाना सी महक है और नीश खुशबू है। ये सिंपल सी बात है कि इन्होंने
बहुत लोगों के लिए मास प्लीजिंग कुछ नहीं बनाया है, इसके बारे में समझें तभी इसको कैरी करिएगा। लेकिन ये है कि जब पसंद आती है तो लोग पूछते हैं और ये नोटिस कराता है। इसकी प्रोजेक्शन अच्छी है, लगभग 4-4.5 घंटे तक ये शुरुआत में पता चलता है। कपड़ों पे तो बुरी आदत की तरह लग जाता है, मतलब ये समझिए कि जब तक अगली बार मैं इसको धोने नहीं, लॉन्ड्री में नहीं डालता हूँ, तब तक खुशबू इसकी लिंगर करती है। और स्किन पे लगभग 8-9 घंटे तक लॉन्जेविटी मुझे महसूस होती है, बहुत बढ़िया खुशबू है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, इसको ठंडे मौसम में लगाना सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है और मुझे लगता है आला तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। बस ये है, पसंद पसंद की बात है, अगर पसंद आएगा तो काफ़ी इन्जॉय आप इसको कर सकते हैं। तो ये है शोपार्ट की तरफ से ब्लैक इंसेंस मलाखी। नंबर 7 पे है मुगलर की तरफ से एंजल मैन, इसका ऑथेटोलेट कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8-9 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। बड़ी खूबसूरत इसकी खुशबू है, इसकी एक फ्रूटी स्वीट कैरमली और कॉफ़ी बेस्ड खुशबू लगती है। इसमें थोड़े फ्लोरल एलिमेंट का भी इस्तेमाल है लेकिन स्वीटनेस ज़्यादा है, गर्मॉन्डिश लगता है और शुरुआत में मिंटी एलिमेंट भी थोड़ा सा महसूस होता है, स्ट्रॉन्ग खुशबू लगती है। इसमें सिडक्टिव एलिमेंट भी मुझे महसूस होता है। तो ठंडे मौसम में अगर डेट के लिए कुछ चाहते हैं, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, क्रिसमस ईव के लिए, एक मॉडर्न सी खुशबू इसकी लगती है और इससे परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है। लगभग 8-10 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं और चाहते हैं कि लोग नोटिस करें आपको, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मुझे पता है कि इसकी जो नई बॉटल आती है वो मेटालिक और हार्ड केस में आती है, ये मेरे पास ओरिजिनल बॉटल है लेदर केस में, इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुगलर ने इनका जो फॉर्मुलेशन है वो नहीं बदला है, DNA सेम है, खुशबू सही है और परफॉर्मेंस आज भी इससे सही मिलती है। मुझे लगता है कि अगर कॉफ़ी बेस आप कुछ चाहते हैं बढ़िया खुशबू वाला, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पहले डीकन या सैंपल इस्तेमाल करके देखें, फिर पूरी बॉटल खरीद सकते हैं क्योंकि मुझे पता है थोड़े महंगे साइड पे है। तो ये है मुगलर की तरफ से एंजल मैन। नंबर 6 पे है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम, इसका ऑथेटोलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। अब जैसे कि इसका नाम है स्पाइस बॉम, इसमें सिनेमन दालचीनी के नोट को नायक बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है टोबैको के साथ, थोड़े और स्पाइसी नोट के साथ। इसमें पेपरिका ये कहते हैं और पेपर, पिंक पेपर का भी इस्तेमाल है, उसका थोड़ा सा किक मिलता है, हल्की सी ओरिएंटल टच भी इसमें महसूस होती है। एक स्पाइसी खुशबू है, मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये जो बुल्गारी का मैन इन ब्लैक परफ्यूम आता है, ये सिमिलर कैटेगरी में, मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा और ओरिएंटल है, इसमें भी स्पाइसेस टोबैको का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है। इसकी बात करें तो इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए किसी पार्टी में जा रहे हैं, क्लबिंग में, चाहते हैं कि शुरुआत के 2-3 घंटे लोग नोटिस करें, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। थोड़े महंगे साइड पे है तो पहले आप इसका सैंपल या डीकन इस्तेमाल करके देख सकते हैं और ये भी है कि आपको स्पाइसी खुशबू पसंद आनी चाहिए तो इसको आप इंजॉय करेंगे। तो ये है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम। नंबर 5 पे है रसासी की तरफ से ला युकवा पोर ओम, इसका ऑथे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 75 ml की बॉटल आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। इसकी एक लेदरी फ्रूटी थोड़ी स्वीट और एनिमलिक खुशबू है, इसमें अर्थी थोड़ा सा सौंधापन भी महसूस होता है। इसमें स्टैंडर्ड लेदर के नोट के साथ स्वेड लेदर का भी इस्तेमाल है, उसी की वजह से थोड़ा सा इसमें सौंधापन महसूस होता है। अब देखिए इसमें जिस फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है वो है रेसबेरी और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं फ्रूट्स खा रहा था तो मेरे पास रेसबेरी भी था। तो ये देखिए ये है वो फ्रूट इसका इसमें इस्तेमाल है और बहुत अच्छे तरीके से एक फ्रूटी थोड़ी फ्रेशनेस भी है लेकिन अच्छी सी खुशबू लगती है, मर्दाना खुशबू लगती है। अगर आपको लेदर जैकेट पहनना पसंद है, आप बाइक राइड करते हैं, बियर्ड रखते हैं, मर्दाना खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड का, जो टस्कन लेदर आता है उसका। मैं कहूँगा अच्छी बात यह है कि ये उतना एनिमलिक नहीं है, उतना पोटेंट नहीं है, इसमें ऐशी खुशबू भी नहीं आती है और इसमें जिस तरीके से फ्रेशनेस है थोड़ी, थोड़ा लाइट लगता है। मुझे लगता है इसको कैरी करना आसान है, ठंडे मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है और क्वालिटी अच्छी लगती है, परफॉर्मेंस सही मिल जाती है लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे, लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत
के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इवनिंग टाइम में किसी पार्टी में जा रहे हैं और चाहते हैं कि लोग नोटिस करें तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि लेदर के नोट के साथ बनाया हुआ परफ्यूम है तो समझें तभी इसको आप कंसिडर करें। तो ये है रसासी की तरफ से ला युक्वाम पोर ओम। नंबर 4 पे है अजारो की तरफ से द मोस्ट वॉन्टेड। इसका ऑल द परफ्यूम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन है। मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 6-7 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। वैसे इसकी छोटी बॉटल 50 ml की आती है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसकी एक फ्रूटी स्वीट थोड़ा गर्मॉन्डिश, इसमें टॉफी के नोट का इस्तेमाल है, एम्बरी खुशबू भी मिलती है और इसमें कार्डमम इलायची का बहुत अच्छा ब्लेंड है। उतना मैं कहूँगा क्लीन खुशबू नहीं आती है, ऐसा लगता है कि फ्रूटी एलिमेंट ज़्यादा है। वैसे आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो इम्पोरियो अर्मानी का स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली आता है, ये भी एक गर्मॉन्डिश बहुत अच्छी खुशबू है। इसमें थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट भी मिलता है लेकिन इसको मैं आजकल ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ लगाना। एक मॉडर्न सी खुशबू लगती है, इसमें सिडक्टिव एलिमेंट भी है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है इसकी खुशबू। डेट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है और अगर सिग्नेचर स्मेल बनाना चाहते हैं, अगर किसी पार्टी या क्लब में जा रहे हैं तो लगा सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस सही है। शुरुआत में लगभग 3-4 घंटे तक ये पता चलता है। अगर लगा के जाएंगे 5-6 स्प्रे तो लोग नोटिस करते हैं। कपड़ों पे लगभग 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और स्किन पे लगभग 7-8 घंटे तक ये टिकता है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब देखिए इसको अगर मैं रैंक करूं तो इनका जो अजारो का ये वॉन्टेड बाई नाइट आता है, इसको भी लगाना मुझे बहुत पसंद है। ये भी फ्रूटी स्वीट है, इसमें सिनेमन दालचीनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। फिर मैं कहूँगा सबसे आखिरी में जो इनका द मोस्ट वॉन्टेड परफ्यूम आता है ये क्योंकि देखिए फ्रूटी है, ये मुझे ऑल वेदर लगता है। ये और इससे ज़्यादा स्वीट है लेकिन ये गर्मॉन्डिश थोड़ा कम है, बबलगमी इसमें थोड़ा एलिमेंट लगता है। बहुत खूबसूरत खुशबू है लेकिन इसको मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। तो चाहें तो इसका सैम्पल या डीकैन कहीं से टेस्ट करके देखें, पसंद आए तो पूरी बॉटल आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी खुशबू है तो इससे तारीफें भी मिल जाती हैं। तो ये है अजारो की तरफ से द मोस्ट वॉन्टेड ऑडे परफ्यूम इंटेंस। नंबर 3 पे है बेंटली फॉर मैन इंटेंस। इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3-4 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक बूजी वुडी स्पाइसी लेदरी खुशबू है, इसमें थोड़ा इंसेंस स्मोकी एलिमेंट भी मिलता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लेदर के नोट को ब्लेंड किया गया है रम जैसे बूजी नोट के साथ। इसमें बे लीव्स का भी इस्तेमाल है। इसका पूरा रिव्यू आप देख सकते हैं। इसकी खुशबू को समझने के लिए काफ़ी मर्दाना खुशबू है, इंटेंस खुशबू है। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिल जाती है, लगभग 7-8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसमें सिनेमन दालचीनी और पचूली की खुशबू महसूस होती है, उसकी वजह से एक स्पाइसी एलिमेंट और थोड़ा सा अर्थी खुशबू भी महसूस होती है। इसमें शुरुआत में पेपरी एलिमेंट भी है तो इंटेंस है ओवरऑल। अगर आपको बूजी लेदरी खुशबू पसंद है तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं और ये आपके प्रेजेंस को नोटिस कराता है शुरुआत के 2-3 घंटे तक। ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबको इसकी खुशबू पसंद आएगी, तो समझें तभी इसको आप कंसिडर करिएगा। तो ये है बेंटली की तरफ से फॉर मैन इंटेंस। नंबर 2 पे है प्रादा की तरफ से लोम इंटेंस। इसका ऑल द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8-9 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिडक्टिव सी खुशबू है, बहुत अच्छी लगती है, आला तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसमें आयरिस का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है, एम्बरी खुशबू, थोड़ा पचूली की वजह से अर्थी एलिमेंट आता है और लेदर का इस्तेमाल है। देखिए जो इसका DNA है वो लोम का ही है, बस उसमें थोड़ा एम्बरी खुशबू और अर्थी एलिमेंट और लेदर की खुशबू और मिला ली जाए तो ऐसा कुछ बनेगा। डेट के लिए, ठंडे मौसम के लिए, अगर कुछ मॉडर्न सा सिडक्टिव सा चाहते हैं तो बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो जेंटलमैन जीवांची का रिजर्व प्रीवे परफ्यूम आता है, ये भी इसके 4-5 महीने सैंपल इस्तेमाल किए हैं। आगे चल करके मैं इसका पूरा बॉटल खरीदूंगा। इसकी भी एक सिडक्टिव सी खुशबू है, थोड़ा नटी लगता है। इसमें भी एम्बरी और आयरिस खुशबू को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसकी बात करूं तो परफॉर्मेंस सही मिलती है, लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए ये ऐसे परफ्यूम्स में से अगर आप किसी के करीब हैं
तो लोगों को पता चलता है, लोग नोटिस करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं और तारीफ भी दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं है इन योर फेस, बहुत पोटेंट पोलराइजिंग नहीं है, सिडक्टिव सी, कोजी सी, इनवाइटिंग खुशबू है और इसमें थोड़ी स्वीटनेस भी है। डेंस भारी खुशबू लगती है लेकिन महंगी खुशबू है, सोफिस्टिकेटेड खुशबू है। तो ये है प्राडा की तरफ से लोंग इंटेंस। नंबर एक पे है डियोर सवाज एलेक्सर। इसका फॉर्मुलेशन ये कहते हैं परफ्यूम कॉन्सेंट्रेट। इसकी एक स्पाइसी, वुडी और फूजियर बार्बर शॉप वाली खुशबू है। अगर मुझे समझाना हो तो मैं कहूँगा थोड़ी ओल्ड स्कूल जो फूजियर बार्बर शॉप वाली खुशबू होती है, अगर उसको दूसरे आयाम पे लेके जाया जाए और थोड़े से स्पाइसी नोट को मिला करके, जैसे सिनेमन, दालचीनी, इसमें नटमेग का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, इसमें कार्डमम इलायची की खुशबू महसूस होती है, इसमें एक नोट है लिकोरिश, उसके वजह से शुरुआत में मुझे थोड़ा पेंट वाली खुशबू भी महसूस होती है जो कि अच्छी लगती है। एक मैस्कुलिन सोफेस्टिकेटेड महंगी खुशबू लगती है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया है, इससे परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है मुझे लगभग 8-10 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे तो 1-2 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 4-4.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जाने से पहले अगर इसके 3-4 स्प्रे आप कर लें, सिर्फ 1-2 कपड़ों पे कर लें और 1-2 मैक्सिमम आप स्किन पे कर लें, लोगों को शुरुआत के 3-4 घंटे तक पता चलेगा कि आपने कुछ स्पाइसी अच्छा लगाया है, अच्छी क्वालिटी का लगाया है। देखिए इसके जितने क्लोन हैं मार्केट में, मुझे लगता है कि इसमें एक सोपी एलिमेंट मुझे हल्का सा महसूस होता है, जो DNA सवाज में है वो थोड़ा सा लैक करते हैं इसके क्लोन। तो मैं कहूँगा कि कभी अगर आपको मौका मिले तो आप इसका सैम्पल या डीकैन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। थोड़े महंगे साइड पे ऐसा 100 ml आपको लगभग 15-16 हज़ार का मिलेगा। इसका 60 ml की बॉटल आती है वो लगभग 10-11 हज़ार की आती है। तो मैं मानता हूँ कि महंगे साइड पे है लेकिन अच्छे तरीके से बनाया गया परफ्यूम है। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा मैच्योर, स्पाइसी, मर्दाना, मैस्कुलिन खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आप चाहें तो इसका 10 ml का अगर डीकैन कहीं से आपको मिल जाए बजट में तो आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें लगभग आपको 140 स्प्रेज मिल जाते हैं, तो 2-3 स्प्रे भी अगर आप करें तो थोड़े वक्त तक चल सकता है। तो ये है डियोर सवाज एलेक्सर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। मैं जानता हूँ आज की लिस्ट थोड़े महंगे साइड पे है, तो मैं बहुत ही जल्द एक अफोर्डेबल बजट वाली लिस्ट भी बनाऊंगा ठंडे मौसम के परफ्यूम वाली। अगर कोई परफ्यूम मुझसे रह गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं आपका सबसे पसंदीदा विंटर्स का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।